हेलो फ्रेंड्स, ये एडवांटेक का 150 वॉट मोनो एम्पलीफायर बोर्ड है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको परचेस कर लेते हैं लेकिन इसका कनेक्शन करने नहीं आता, तो मैं आज आपको बताऊंगा इसका कनेक्शन कैसे करते हैं और कितने वॉट पे इसको चलाना है, कितना जीरो कितने ट्रांसफार्मर पे इसको चलाना है। तो सबसे पहले मैं इसमें बता देता हूँ आपको ट्रांजिस्टर कौन से यूज़ किए हैं। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर तोशिबा 2852 यूज़ किया है, जापान का है, ओरिजिनल ट्रांजिस्टर है। और यहाँ पे 2SA1943 ट्रांजिस्टर यूज़ किया है, ये भी ओरिजिनल ही है। यहाँ पे देखो काफ़ी अच्छा बोर्ड है, और अगर इसकी हीट सिंक की बात करें तो ये भी काफ़ी मोटा है। यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छा हीट सिंक है और काफ़ी मोटा भी है। अगर इस बोर्ड की PCB की बात करें तो काफ़ी अच्छा PCB यूज़ किया गया है यहाँ पे देख सकते हो। और इसका बैक साइड का देखते हैं, इसका भी अच्छा ही है, क्वालिटी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सस्ता भी मिल जाता है। मैं जूम कर लेता हूँ कि आपको भी अच्छे से समझे। यहाँ पे जूम हो गया है। अभी यहाँ पे सप्लाई की बात करते हैं, तो यहाँ पे सप्लाई आपको देना है 24024, जो कि 5 एम्पेयर का रहेगा। यहाँ पे +24 देना है, -24 देना है और ग्राउंड देना है। अगर आप उल्टा करोगे तो आपका बोर्ड ख़राब भी हो सकता है। और यहाँ पर आपको इनपुट देना है, इनपुट एक इधर और एक इधर, जो ये डायरेक्ट लगेगा ब्लूटूथ पैनल में। और स्पीकर की कनेक्शन की बात करें तो एक स्पीकर का पॉइंट इधर देना है और एक यहाँ पे देना है, ये दोनों स्पीकर का पॉइंट हो जाएगा। और पीछे इधर से आपको कुछ कनेक्शन दिख नहीं रहा रहेगा इधर क्या करना है। तो यहाँ पे एक लाइट भी दिया है, आपका जैसे ये लाइट ख़राब हो जाता है तो आपका ये बोर्ड वर्क नहीं करेगा जब तक आप लाइट चेंज नहीं करोगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस बोर्ड के साउंड टेस्टिंग के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों में शेयर कर दो।